हेलो गाइस, मैं हूं सनी, आप देख रहे हैं मोटर फ्यूलर। आज अपन देखने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के इंजन ऑप्शंस, ट्रांसमिशन ऑप्शन सब कुछ जो है अनवील हो चुका है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूं जो है इनके इंजन ऑप्शंस का। जब भी महिंद्रा की कोई कार अनवील होती है, मैं जो है बहुत डेस्परेटली वेट करता हूं कि भाई इसके इंजन ऑप्शन में क्या मिलने वाला है। तो सब कुछ देखेंगे, क्या पुराना है क्या नया है, और जो है कंपेयर करेंगे इस सेगमेंट की सारी कार से आपको जो है कैसे क्या पावर फिगर्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं भाई क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। तो देखो भाई, इसमें आपको दो ही इंजन मिलेंगे, एक 2.2 लीटर का एमॉग लेजेंडरी इंजन आपको देखने को मिलेगा और 2 लीटर का एम ऑस्ट्रेलियन देखने को मिलेगा। लेकिन जो डीजल है 2.2 लीटर वाला, हमेशा जो है इसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते आई है महिंद्रा, तो यहाँ भी आपको जो है दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है, और एक जो है 4x4 सपोर्ट करेगा और एक जो है 4x4 सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंजन की, जो कि डीजल का बेस होगा। इसमें आपको वही इंजन मिलेगा 2.2 लीटर वाला एमॉग, और उसमें आपको पावर फिगर्स देखेंगे 132 PS और टॉर्क मिलेगा 300 Nm का, और जो आपको ट्रांसमिशन मिलेगा 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और जो पावर ट्रेन मिलेगा आपको ये रियर व्हील ड्राइव मिलेगा। बहुत तगड़ा इंजन है ये, सेम स्पेसिफिकेशन में डेली ड्राइव करता हूँ अपनी करंट स्कॉर्पियो में, और बहुत ही सही इंजन है, बहुत ही लो मेंटेनेंस है, अच्छा माइलेज देता है, अच्छा पावर देता है, बेफिक्री से अगर आप जा सकते हैं अगर आपको जो है रियर व्हील ड्राइव चाहिए तो। लेकिन अगर आपको जो है फोर व्हील ड्राइव चाहिए तो इससे ऊपर वाले इंजन में जाना पड़ेगा, जो कि है 2.2 लीटर वाला एमॉग 175 PS, और आपको जो है मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा 370 Nm का टॉर्क, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलेगा 400 Nm का टॉर्क, और जो आपको ट्रांसमिशन है 6 स्पीड का मैनुअल, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, और जो 6 स्पीड मैनुअल है ये रियर व्हील ड्राइव सपोर्ट करेगा, और जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक है ये 4 व्हील ड्राइव सपोर्ट करेगा। भाई मैनुअल चाहिए था, मैनुअल के साथ 4x4 देते मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे एक जो है मेन थिंग ऐसा लग रहा है मिस होने वाली है, और मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैनुअल के साथ 4x4 मिल जाए, लेकिन ये थोड़ा सा जो है एक्सक्लूसिव रखेंगे अपनी थार के साथ। और इसके बाद आ जाते हैं भाई पेट्रोल पे। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा एम स्टेलियन का 2 लीटर का टर्बो इंजन, जिसमें आपको पावर मिलेगा 200 PS का, और मैनुअल में आपको पावर मिलेगा 370 Nm का, और ऑटोमेटिक में आपको पावर मिलेगा 380 Nm का, और जो आपको ड्राइव ट्रेन मिलेगा इसमें आपको जो है 6 स्पीड मैनुअल के साथ रियर व्हील ड्राइव मिलेगा, और जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक इसके साथ 4 व्हील ड्राइव मिलेगा। तो भाई मैं एक चीज़ बहुत मिस कर रहा हूँ अभी, जो भी चीज़ें अनवील हुई है इसमें मैं चाह रहा था कि यार मैनुअल के साथ 4 व्हील ड्राइव मिल जाए, क्योंकि ऐसा महिंद्रा कर सकती है, बड़ी गाड़ियों में तो नहीं होता लेकिन महिंद्रा ऐसी चीज़ें करते रहती थी। इसके बाद कंपेयर कर लेते हैं भाई सेगमेंट की अदर गाड़ियों के इंजन से। तो सबसे पहले अपन चॉइस कर लेते कि भाई 7 सीटर चूज़ करेंगे और जो है डीजल को प्रेफर करेंगे, क्योंकि टाटा वगैरह में आपको जो है पेट्रोल इंजन ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है XUV 700 को रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वही इंजन मिलेगा, थोड़े से पावर फिगर्स चेंज हो रहे हैं। तो पावर आपको मिलेगा 182 PS का, और टॉर्क आपको देखने को मिलेगा 420 Nm का मैनुअल के साथ, और 450 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है ऑटोमेटिक के साथ, और इसमें आपको जो है फ्रंट व्हील ड्राइव भी मिल जाएगा, और फोर व्हील ड्राइव भी जो है यानी ऑल व्हील ड्राइव भी जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद आती है भाई टाटा सफारी, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 लीटर का डीजल इंजन, ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड ये भी इंजन है, जो आपका MG एक्टर में भी देखने को मिलेगा, कंपास वगैरह में भी देखने को मिलता है। तो इसमें आपको जो है 170 PS का पावर मिलेगा, 350 Nm का टॉर्क मिलेगा, और इसमें आपको जो है 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे बिगेस्ट कैच है कि ये जो है फ्रंट व्हील ड्राइव है, किसी भी प्रकार से आपको जो 4x4 या और व्हील ड्राइव देखने को नहीं मिलता है। तो पावर फिगर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है आसपास ही है, लेकिन जो 4x4 लैडर फ्रेम है वो जो है कोई कर नहीं पाएगा। उसके बाद देख लेते हैं MG की हेक्टर प्लस, इसमें आपको सेम इंजन मिलता है 2 लीटर का 170 PS 350 Nm का टॉर्क, लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक मिस कर जाती है, और आपको जो है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और फ्रंट व्हील ड्राइव का जो है आपको इसमें ड्राइव ट्रेन देखने को मिल जाता है। उसके बाद आती है भाई अल्कज़ार, मैं तो इसको इग्नोर ही करूँगा लेकिन फिर भी आपको बताना मेरा फ़र्ज है तो बता देता हूँ। तो भाई इसमें आपको इंजन मिलता है 1.5 लीटर का, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 113 BHP, और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 250 Nm का। ट्रांसमिशन आपको इसमें अच्छा देखने को मिल जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, DCT इसमें मिलता है। लेकिन ये जो इंजन है, जो साइज़ की गाड़ी ये खींचने वाला है भाई, इससे अच्छा इंजन जो है नेक्सॉन में देखने को मिलता है आपको, इससे पावरफुल मिलेगी क्योंकि इसका वेट कम है। लेकिन ये क्या इंजन देते हैं, ये 25 लाख रुपए में आपको जो ऑफर करते हैं टॉप एंड में, और ये इंजन को आपको पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए, और ये अल्कज़ार को साइड में ही रख देना चाहिए। तो यही था भाई, एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होप आपको पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।